जाते वे महल के पीछे 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 आंजी तेरे तेरे बगीचे नीचे नीचे क्यों खाता लगा ओए माँ ओए माँ ओए माँ ओए माँ ओए माँ ओए माँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बल्कि मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नाहिद, आप सब तो मुझे जानते हो। तो आज मैंने क्रिएट किया है ईद मेकअप लुक, इतना ब्यूटीफुल मैंने मेकअप किया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेकअप कैसा लगा, और आप मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लें, मेरा अकाउंट है नाहिद सैफी ऑफिशियल। और आपको ये मेकअप अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो अब तक आपने कर ही दिया होगा, और विदाउट स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज़। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम विदाउट टाइम वेस्ट, लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग गुड वाइब्स क्रीम, इसको मैं एज ए मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। गाइस, आप भी बिफोर मेकअप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाया करें, क्योंकि आपका फेस विदाउट मॉइस्चराइजर के ड्राई दिखेगा, और फिर मेकअप बेस अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर मेकअप लुक भी अच्छा नहीं दिखेगा। और ये जो क्रीम है ज़्यादा ऑयली नहीं है, वैसे मेरी ऑयली स्किन है, बट ये ज़्यादा ऑयल नहीं छोड़ती, तो इसलिए मुझे अच्छी लगती। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओलिविया पैनकेक, इसको मैं ना गर्मियों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना एक नेचुरल लुक देता है। और मैंने ना स्पंज को पहले गीला कर लिया है, क्योंकि विदाउट हम गीला नहीं करेंगे तो हमारे फिर ये ड्राई होता है, तो फिर ये गीला करे बिना ये अप्लाई नहीं होता। तो आप भी पहले स्पंज को गीला कर लीजिए और फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए, तो ये ना एकदम नेचुरल लुक देगा। अभी आप देखना 5 मिनट बाद। तो अब मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल, इसका शेड ब्राउन है। तो गाइज, मैं ना इससे अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी, ताकि मेरी आईब्रो एकदम नेचुरल लगे, और जो भी थोड़ी सी इधर उधर हो वो सेट हो जाए। तो अब मैंने मस्कारा ब्रश की हेल्प से इसको मैं सेट कर लूँगी, ताकि मेरी जो आईब्रो हैं एकदम नेचुरल दिखें, और ज़्यादा ना हैवी ना दिखें, ऐसा ना लगे कि नकली आईब्रो हैं। तो बस ओरिजिनल लगानी है मुझे, बस थोड़ा सा लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया यहाँ। तो गाइज, अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। तो आपके पास भी जो भी कंसीलर हुआ करे वो आप लगा लिया करें कंसीलर, ऐसा ना देखे करें कि मैंने ये वाला लगाया तो आप भी यही लगाएंगे, नहीं, जो आपके आप पास अवेलेबल है अभी वो आप लगा लें, ठीक है। तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि मेरा कंसीलर एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैंने लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी, जो कि मैंने पेनकेक लगाया है वो मेरे फेस में एब्जॉर्ब हो जाए, और मेरे फेस में लॉक हो जाए मेरा मेकअप, और मुझे पसीना ना आए। और मैंने जो कॉम्पैक्ट पाउडर है अपनी नेक में भी अप्लाई कर लिया है, ताकि फेस का कलर और नेक का कलर अलग ना दिखे। अब मैंने आफ्टर कॉम्पैक्ट, मैंने यहाँ पर लिया आई शेडो पैलेट, ये पैलेट मेरे पास मैट में है, इसमें से मैंने पिंक शेड लिया है। तो इसका मैं मल्टीपल यूज़ कर रही हूँ गाइज यहाँ पर, तो आप भी ऐसा ही किया करें, क्योंकि लड़कियों के वैसे ही कम खर्चे नहीं होते मेकअप के, वो इतने सारे हो जाते हैं, तो बस पूछो ही नहीं आपके कितने खर्चे होते हैं, तो आप भी ऐसे यूज़ कर लिया करें मेरी तरह। तो गाइज, आप देख सकते हो मैंने सेम पैलेट से पिंकी पीच कलर लिया है, इसको मैं अपनी आईज़ पर लगाऊंगी, ये कलर मेरा फेवरेट है। तो इसको मैं ना गर्मियों में ज़्यादातर मैं इसको ही लगाती हूँ, और ये ना लगने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसे में मैं ईद मेकअप कर रही हूँ, डे मेकअप कर रही हूँ, तो डे में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है अपने ब्रश के हेल्प से, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है शेडो। तो अब गाइस, मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, इसको मैं विंग आईलाइनर लगाऊंगी, क्योंकि ये जो मैं मेकअप लुक कर रही हूँ तो इसमें विंग आईलाइनर अच्छा लगेगा, और मेरी आईज़ पर ये वाला ही लाइनर ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगता है या नहीं लगता ये वाला लाइनर, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें आप मुझे कि अच्छा लगता है आपको ये वाला लाइनर या नहीं लगता। तो गाइस, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलैशेस, तो इस पर मैंने ना पहले ही ग्लू लगा लिया था, जब मैं आईलाइनर लगा दी थी तो मैंने इस पर जब भी ग्लू लगा लिया था। तो अब मैं लगा रही हूँ वाइट काजल, वाइट काजल जो मेरी ये है ना वो टूट गई, फिर मुझे इसे फिंगर से ही अप्लाई करनी पड़ रही है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है पिंक शेड लिपस्टिक, इसको मैं ना डार्क नहीं लगा रही ज़्यादा, इसको मैं हल्का लगाऊंगी और अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, और ये ना मैट में नहीं है। अब मैंने फाइनली ले लिया है हाइलाइटर, तो अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, पहले मैं अपने नोज़ को हाईलाइट करूँगी, फिर मैंने यहाँ पर अपनी
चीक्स को हाईलाइट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मैंने फोरहेड को भी किया है और अपर लिप्स को भी कर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना फेस थोड़ा शाइन दिखाना था तो मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। तो फाइनली गाइज अब मैं वेयर कर रही हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी। इस जो मैंने आउटफिट पहना है ये ज्वेलरी बिल्कुल सेम कलर की है, बट मेरी इयररिंग पिंक है, बट ये पहनने के बाद अच्छे लग रहे हैं तो इसलिए मैंने इन्हें वेयर कर लिया है। तो मुझे इतनी उम्मीद है आपसे कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और मैंने एक बात और देखी है, आप सब्सक्राइब कर देते हो मेरे चैनल को बट आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट प्रेस ऑन बेल आइकन। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं।